मसूरी कोतवाली में होटल एसोसिएशन और व्यापार संघ के साथ प्रभारी निरीक्षक ने बैठक कर शहर की समस्याओं पर चर्चा की व सहयोग की अपेक्षा की ताकि शहर की कानून व्यवस्था सहित समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर सूचना देने, माल रोड पर उच्च स्तरीय सीसीटीवी कैमरा लगाने, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू करने, पर्यटकों को देर रात्रि में शराब न परोसने आदि समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया। वहीं सुझाव भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि होटल की पार्किंग, एंट्री, एग्जिट और रोड साइड सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और कैमरे की क्षमता उच्च स्तरीय रखें। साथ ही 15 दिनों तक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। जो सीसीटीवी कैमरा लगाए उसमें रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो भी होना चाहिए। किसी भी होटल के प्रबंधक द्वारा सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं करवाया जाएगा। वाहन अपने निश्चित पार्किंग पर ही खड़ा करवाएंगे। जिसके पास पार्किंग नहीं है वे सार्वजनिक पार्किंग में वाहन खड़े करवाएं। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना कोतवाली में दें ताकि शहर को अपराध मुक्त रखा जा सके। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस द्वारा की गई पहल का स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी होटल व्यवसायी नियमों का पालन करेंगे और पुलिस को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अच्छी पहल है कोतवाल साहब की, जिन्होंने कि हमको बुलाया, काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, हमारे शहर की सेफ्टी के दृष्टिकोण से कुछ सुझाव आपने दिए हैं, कुछ सुझाव हमने दिए हैं। मुख्य रूप से आपका कहना है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान को, होटलर को कैमरेज रोड की फेसिंग की तरफ अच्छी रेजोल्यूशन कैमरेज होने चाहिए। दूसरे जो हमारे पार्किंग एरियाज हैं वहाँ पर भी कैमरेज होने चाहिए, क्योंकि जो भी गलत कार्य होते हैं लगभग वो इन्हीं एरियाज में होते हैं। और किसी भी गतिविधि को सॉल्व करने के लिए, कोई वारदात को सॉल्व करने के लिए जो कैमरेज हमारे लगे होते हैं उससे जो कंटिन्यूटी मिलती है, एक सीक्वेंस मिलती है, उससे संदिग्ध तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आपका ये भी कहना है कि जो हमारी कैपेसिटी है DVR की, वो कैपेसिटी को हमको एनहेंस करना है। अगर 1 TV की लगी हुई है उसको 2 TV 3 TV करें ताकि 15-20 दिन महीने का हम पे बैकअप होना चाहिए। दूसरा आपका कहना है कि जो गेस्ट आ रहे हैं मसूरी ठहरने के लिए, प्रत्येक गेस्ट का नाम रजिस्टर में अंकित होना अनिवार्य है, प्रत्येक गेस्ट का मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है। तीसरा, जो ID हम लेते हैं, अमूमन क्या होता है, गेस्ट लेना नहीं चाहता है या हम लेने वाले लापरवाही करते हैं। आपका ये भी कहना है कि प्रत्येक गेस्ट की, जो भी चेक इन कर रहे हैं गेस्ट जो भी हैं, उन सबकी ID लेना अनिवार्य है। तीसरा जी, कि लेट नाइट में जो टाइमिंग्स हैं, जिसकी जहाँ पर बार की व्यवस्था है, उस बार में जो है समुचित व्यवस्था हो, समय का पालन हो, जब तक सरकार के द्वारा समय उपलब्ध कराया गया है उसी समय में आप जो है ड्रिंक्स सर्व करें, और कोई भी जो है समय के बाद में ड्रिंक्स, अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स सर्व ना करें, सेल ना करें। इसके अलावा आपका ये भी कहना है कि जो पर्यटक आते हैं अमूमन अपनी ड्रिंक्स लेके आते हैं, वो ड्रिंक्स का सेवन करते हैं अपने कमरे में करते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु यस, जो कॉमन एरियाज हैं, रेस्टोरेंट हैं या ओपन टेरेस हैं, वहाँ पर किसी भी रूप से ड्रिंक्स का सेवन ना करें।